हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा गाइज। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इस क्रैश कोर्स में पढ़ लिया उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोगों का आज का जो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया था। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से इसको ड्रॉ करना होता है, फिर हम लोगों ने समझा था सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर ये सब लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग ये लेक्चर जरूर देखना ताकि हम लोग जो क्या करते हैं 80% ऑफ जो ट्रेड करते हैं वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे करते हैं। तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों को मैंने उस वीडियो में बताया है। फिर हम लोगों ने समझा था एडवांस कैंडलस्टिक्स, उसके टाइप्स, चार्ट पैटर्न और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग भी समझ लिया था। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, इसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त को गवाई हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे नर्वसनेस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, फियर है, ग्रीड है, एंजाइटी है, फोमो है, डाउट है, ये सारे जो इमोशंस एंड फीलिंग्स है ना ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है। तो अभी मैं आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा और एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊंगा। ये तीनों चीज़ को हम लोग अभी यहाँ पे क्लियर करने वाले, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है क्या। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ टर्म्स दैट इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सिंपल सा मतलब है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोगों के जितने भी इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं ना वही इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस का कोई वर्क नहीं होता, फंडामेंटल एनालिसिस का कोई वर्क नहीं होता। ट्रेड लेने के बाद हम लोगों को क्या फीलिंग्स आती है अंदर से, हम लोगों को डर लगता है, लालच आता है, फियर, ये सारे जो इमोशंस एंड फीलिंग्स है ना ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आते हैं। ट्रेड करते वक्त आप लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज हुआ होगा, अगर आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तब आपकी फीलिंग्स कुछ अलग होती है, जब आपको 1000 रुपीज़ का लॉस होता है तब आपकी फीलिंग्स कुछ अलग होती है। तो ये सब क्या होते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या होता है, जो हम लोग इमोशंस को फील करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, सम ऑफ दीज इमोशंस आर हेल्पफुल, कुछ इसमें इमोशंस क्या है वो हेल्पफुल है और जैसे कि कुछ नहीं भी है। तो जैसे क्या नहीं है, जैसे कि डर, लालच, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस है ना, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है। कोई भी ट्रेड ले लिया आपने, अब आपको वहाँ पे 5000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, अब आपको वहाँ पे डर लग रहा है कि यार मैंने 15000 रुपीज़ लगाए थे और 5000 रुपीज़ का लॉस चल रहा, कहीं और ज़्यादा ना लॉस हो जाए। फिर आप अपने पोजीशन को क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। मान लेते हैं आपको 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा, अब आपको लगेगा कि यार 4000 500 रुपये और वेट करता हूँ, 500 रुपये का प्रॉफिट होगा फिर बुक करूँगा। तो यहाँ पे आप लालच कर रहे हो, आपका टारगेट हिट हो गया लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो। उसके बाद जो मार्केट नीचे आ जाता है और आपका जो 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो भी चला जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, कुछ इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आते हैं, जिसपे किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसको किस तरीके को कंट्रोल करना होता है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू फुल्ली मास्टर। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको कंट्रोल करना, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट इस पर क्या होगा कि आपको कंसिस्टेंसी मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो इस पर किस तरीके से वर्क करना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पे आप लोगों को काम करना है, वो भी चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या है, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स, जैसे कि अपनी इमोशंस को मैनेज करना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, कौन कौन से इमोशंस, डर को, लालच को, एक्साइटमेंट को, नर्वसनेस को, ये सारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं ना, एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में। तो इसको क्या करना है, आप लोगों को मैनेज करके चलना है। किस तरीके से मैनेज करना वो चीज़ मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो आपके ये जो इमोशंस है ना उस पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है वो चीज़ अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग फोमो।
फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्या मतलब होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर बाई करते हैं, एक्साइटमेंट आता है, यहाँ पे लगता है कि यार प्राइस तो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ आ रहा है, अब हम लोग यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। वो जैसे यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करते हैं ना, बाइंग कर लेते हैं, फिर वहीं से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिर जाता है। और जैसे ही यहाँ पे गिरा और जिन्होंने यहाँ पे बाइक किया था और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, तो उन लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उन लोगों को जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। अब उनको लगेगा यहाँ पे डर, और डर के कारण वो क्या करेंगे ना, अपने लॉस को यहाँ पे बुक कर लेंगे, फिर उनको यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, और वो अपने पोजीशन को क्या करेंगे, सेल कर देंगे। फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा कंटिन्यूसली, फिर अगेन यहाँ पे जो चीज़ हुआ ना, वो अगेन साइकिलिंग का रिपीट होता चले जाएगा। जो फोमो ट्रेडर होते हैं ना, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको ये लगता है कि ये जो मूव अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया ना, ये अभी और ऊपर जाएगा, और ये अभी जो ऊपर जाने वाला ना, ये मुझसे छूट ना जाए, इसलिए वो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। जैसे एंट्री करते हैं, प्राइस यहाँ से फॉल कर जाता है, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, उनको लॉस हो रहा है, तो वो अपने पोजीशन को यहाँ पे बेच देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। आई होप अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये फोमो ट्रेडर है जिसको आप लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करना, इसको करना नहीं है, फोमो आप लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए। अब इसको किस तरीके से आप फोमो को ठीक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। इसको अगर आप कंटिन्यूसली इस पर काम करते हो, तो एक टाइम के बाद जाकर आप क्या कर सकते हो, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्या है, एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। तो एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवॉइड ट्रेडिंग मिस्टेक्स। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हर एक ट्रेडर्स को लॉस होता है। आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मुझको लॉस हो रहा है, जितने भी लोग हैं ना, सबको लॉसेज होते हैं, भले वो आपको दिखाते नहीं है ये अलग बात है, लेकिन लॉसेज सबको होते हैं। लेकिन सीखता वही है कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉफिट वही बना पाता है जो अपने लॉसेस से सीखता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑल ट्रेडर मेक मिस्टेक्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो मिस्टेक्स करते हैं, जाहिर सी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सीख नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस मिस्टेक्स। आपने जो भी मिस्टेक्स किया उसको सीखो, देखो कि हाँ मैंने इस ट्रेड में क्या मिस्टेक्स किया, उसको नोट करो, डायरी में लिखो, और उसके बाद उस मिस्टेक्स को कभी रिपीट मत करो। आपने आज कोई ट्रेड में एंट्री किया और आपका उसमें लॉस हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप देखो कि मार्केट ने आखिर मेरे स्टॉप लॉस को क्यों हिट किया, मैंने क्या गलती किया था ऐसा। उसको जब तक आप देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो जो भी मिस्टेक्स होते हैं उसको क्या करो, एज अ ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, सारा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है उसको नोटबुक में लिखो। जब आप उसको लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, तो एक टाइम के बाद आके आपको समझ में आए कि हाँ आप सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होता है, उसके हिसाब से फिर आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो ट्रेडिंग मिस्टेक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप मिस्टेक्स करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन रिपीट करो। जो भी आज मिस्टेक हो गया वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी आप अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर कोई बंदा एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहा है तो फिर वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने मिस्टेक से सीखना है और उसको रिपीट नहीं करना है। दूसरा क्या है, ओवरकमिंग ग्रीड। इसका मतलब होता है, ग्रीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन इमोशंस अमंग ट्रेडर्स एंड देयरफॉर डिजर्व्स स्पेशल अटेंशन। अब लालच भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मार्केट में। अब आपने मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड में एंट्री कर लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग कर लिया, आपका टारगेट क्या है, ये वाला लेवल आपका टारगेट है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और आपके टारगेट को यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया। अब आपको लगेगा यार मार्केट कंटिन्यूसली नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मेरा टारगेट भी हिट हो गया, अब आपको यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चल रहा है, लेकिन आपके अंदर क्या है, लालच है। तो आप क्या करोगे ना, और वेट करोगे, मार्केट आपको लगेगा मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाए, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना, तो मेरे को यहाँ पे जो 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है वो 5,000 हो जाएगा ना, फिर मैं यहाँ पे बुक करूँगा। और उस 1,000 के चक्कर में मार्केट यहीं से फॉल कर जाता है और आपको जो 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉस में बदल जाता है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आपको लालच कभी नहीं करना, आपका जो स्टॉप लॉस है, जो आपका टारगेट है, उसको प्रॉपर फॉलो करके चलना है। आपको टारगेट मिल गया, बिल्कुल लालच नहीं, अपने टारगेट पे पोजीशन को इसको रफ कर दो। आपको पहले क्या पता था कि आपने ट्रेड में एंट्री किया, आपको पता था कि प्रॉफिट होगा, लगता है सबको ट्रेड लेने से पहले कि इस ट्रेड में तो मुझको प्रॉफिट ही होगा, बट जरूरी नहीं है। आप अभी ट्रेड करते हो तो 10 ट्रेड में आपको 5 ट्रेड में लॉस हो जाते होंगे, 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट होते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो आप 5 ट्रेड में लॉस कर रहे हो उसको आप प्रॉफिट में नहीं बदल सकते हो। इसमें आपको लालच नहीं करना पड़ेगा, जो मिस्टेक्स कर रहे हो उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ को फॉलो करके चलते हो, फिर जाके एक टाइम के बाद आप वो सब मिस्टेक्स को रिपीट करना बंद करोगे।
उसके बाद देखो तीसरा पॉइंट हम लोगों क्या आता है, तीसरा पॉइंट हम लोगों का आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, देखो रिस्क मैनेजमेंट में आप तीन इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हो। पहला, आप अपना टारगेट को डिसाइड कर लो, ठीक है। एज अ बिगिनर आप अपने टारगेट को क्या करो, डिसाइड कर लो, और आप अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करो। देखो मार्केट में कितना रुपए का प्रॉफिट करना है ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट में आप लोगों को कितना रुपए का लॉस करना है ये मार्केट पे कभी डिसाइड नहीं करता, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रुपए का लॉस लेने वाले हो। अगर आप 10,000 रुपीज़ लगा रहे हो तो उस 10,000 में आप कितना रुपए का लॉस करने वाले हो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। तो अपना क्या करना है, आपको टारगेट और अपना स्टॉप लॉस हमेशा डिसाइड करके ही ट्रेड में एंट्री करना है। अब पहले डिसाइड करो कि हाँ इस ट्रेड में मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, उसके हिसाब से फिर ट्रेड में एंट्री करो, और अपना टारगेट भी डिसाइड कर लो। टारगेट हिट हो गया, पोजीशन को क्या करो, स्क्वायर ऑफ कर लो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपने पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो। एज अ बिगनर आपको ज़्यादा ज़्यादा पोजीशन नहीं बाइंग करना है, आपको छोटे छोटे एक लॉट दो लॉट एक लॉट दो लॉट में ही ट्रेड करना है, 10 लॉट 15 लॉट लेकर ट्रेड नहीं करना है बिगनर में, ठीक है। तो अपने पोजीशन साइजिंग को आप धीरे धीरे इंक्रीज करो, डायरेक्ट कहीं से कैपिटल आ गया तो उसको एक बार में मत बढ़ा देना, नहीं तो फिर आपको लंबा लॉसेस हो जाएंगे क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है। तो अपने पोजीशन साइजिंग पर आप हमेशा ध्यान दो और उसको धीरे 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 इंक्रीज करो, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा उसके हिसाब से। आई होप अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। रिस्क मैनेजमेंट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अपना टारगेट डिसाइड करो, स्टॉप लॉस डिसाइड करो, पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दो। उसके बाद होता है हम लोगों का मनी मैनेजमेंट। अब देखो मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के ट्रेडिंग करने में। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने सुबह में कोई एक ट्रेड किया, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया मान लेते हैं 10K का, ठीक है। आपको फर्स्ट ट्रेड में कितने का प्रॉफिट हो गया, 10K का। अब ये लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना कि वो 10,000 में खुश ही नहीं हो पाते हैं, उनको और 10,000 चाहिए। आप सोचो ना कि आपको एक दिन में 10,000 आ गया, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां आपको एक दिन में 10,000 रुपये आते हो इतने कम टाइम में, जो आप अभी कर रहे हो ट्रेडिंग में। जब मार्केट ने आपको एक दिन में 10,000 रुपये दे दे तो आप इसमें खुश रहो, लेकिन फिर भी लोगों को लालच होती है कि नहीं वो फिर भी दूसरा ट्रेड करेंगे और इसमें से क्या करेंगे 3,000 रुपया लॉस कर लेंगे। जैसे ही उन्होंने 3,000 लॉस किया तो वो 10K कैपिटल कहाँ आ गया, 7K पे। अब वो ईगो पे ले लेंगे यार 10,000 से 7,000 रुपये आ गया, अब वो अगेन एक ट्रेड में एंट्री करेंगे, इसको वापस से 10,000 पूरा लेता हूँ उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूँगा आज कल करूँगा। फिर वो दूसरा ट्रेड करता है उसके चक्कर में, फिर यहाँ से 2,000 क्या लगाता है, फिर अगेन लॉस हो जाता है, फिर वो आ जाता है 5K पे। तो ये जो होता है ना ये एक ट्रेडर के साथ होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपको अगर फर्स्ट ट्रेड में मान लेते हैं 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड जो आप करोगे इस प्रॉफिट की रिस्क लगाओगे, अपने प्रॉफिट में से भी मात्र 20% या फिर 10% ही लगाना, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब 1,000 रुपीज़ से लेकर 2,000 रुपीज़ तक मैक्सिमम आप क्या करोगे, लॉस लोगे दूसरे ट्रेड में। अगर आपको वो लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि इसमें से 8,000 रुपये क्या करना है आपको घर लेके जाना है एनी हाउ, क्योंकि आप अपना मार्केट में टाइम दे रहे हो तो 8,000 रुपये आपके घर जाना चाहिए। तो मनी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया मान लेते हैं 5,000 रुपीज़ का ही, तो नेक्स्ट ट्रेड जो आप करो ऐसे तो करना नहीं है, आपको एक दिन में एक ही ट्रेड करने की कोशिश करना है। लेकिन अगर फिर भी आपको करने की इच्छा है, आपको बहुत बढ़िया सेटअप मिल गया, तो आप जो नेक्स्ट ट्रेड करोगे उसमें जो आपका रिस्क होगा वो आपके प्रॉफिट में से होगा, वो भी 10%। बाकी का कैपिटल क्या करना है, घर लेके जाना है, तभी आपका कैपिटल ग्रो होगा, नहीं तो आप ट्रेडिंग करते रह जाओगे, आपका कैपिटल कभी भी ग्रो नहीं होगा। आई होप अभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोगों का आगे का टॉपिक है। अगर आप लोगों को ये पूरा PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करो, एक WhatsApp का ग्रुप दिया होगा आप उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप मुझको मैसेज कर देना कि सर मुझको PDF चाहिए, मैं आप लोगों को एक PDF दे दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट करवा लेना ताकि आप लोगों को इससे हेल्पफुल मिले, क्योंकि इसमें सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया, अभी तक हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को ऑलरेडी क्लियर कर लिया। आज हम लोगों ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी समझ लिया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद अब हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है और हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है ये चीज़ हम लोग दूसरे लेक्चर में समझेंगे, नहीं तो फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसको दूसरे लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।